मध्य प्रदेश, यहां पर इसी साल अंत में चुनाव होने हैं। इस चुनाव में कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को सिलसिलेवार रणनीति बनाकर प्रचार प्रसार में जुट जाने वाली है। इस बीच मंगलवार को अखिल भारतीय कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनित भोपाल आए। उन्होंने यहां पर कांग्रेस मीडिया विभाग के पदाधिकारी और नेताओं के साथ बैठक की। इसके बाद पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनित ने मीडिया को संबोधित किया। सीएम के चेहरे पर अब बात आती है। पवन खेड़ा ने इस मसले पर कहा कि वो मध्य प्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव किसी चेहरे को सामने रखकर नहीं बल्कि अपने पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लोगों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर लड़ेंगे। पवन खेड़ा ने कहा कि 2023 का चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाएगा, चेहरे पर नहीं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की रीति नीति के अनुसार चेहरा तय किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा अब एमपी सरकार खरीदी हुई नहीं। पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनित ने कहा कि हम महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अत्याचार, कानून व्यवस्था और SC ST वर्ग पर हो रहे अत्याचार के मुद्दों के साथ चुनाव में जाएंगे। इन मुद्दों पर 18 साल से प्रदेश की सत्ता पर काबिज भाजपा सरकार से जवाब मांगेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में मुद्दों पर चुनाव लड़ा। उन्होंने कहा कांग्रेस ने नारी शक्ति सम्मान योजना में 1500 रुपए प्रतिमाह देने, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली और 100 यूनिट बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ करने का वादा अपने वचन पत्र में दिया है। इसको पूरा करने के लिए कांग्रेस वचनबद्ध है। पवन खेड़ा ने दावा किया, कहा कि बीजेपी कर्नाटक की तरह MP में मुद्दों से भटक कर चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी। पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कन्याकुमारी से श्रीनगर तक जो पद यात्रा की और उस दौरान जन समर्थन जुटाया, अब उसकी बारी है। मध्य प्रदेश के लोगों के साथ कई बार उन्होंने बातचीत की, इसमें महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा जैसे कई मुद्दे थे। जनता राजनीतिक दलों से उन मुद्दों को उठाने की उम्मीद करती है जो उसको परेशान करते हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान जो मुद्दे थे वो अब और गंभीर हो गए। फिलहाल मध्य प्रदेश में एक और बात चल रही है, वो है सिख दंगों को लेकर। कमलनाथ पर जब आरोप लगाया गया उसके बाद कमलनाथ ने एक जवाब भी दिया। सिख दंगों को लेकर कमलनाथ पर भाजपा के आरोपों पर खेड़ा ने भाजपा को चुनौती दे दी। कह दिया कि कमलनाथ के खिलाफ FIR है तो भाजपा नेता को लेकर। नानावटी कमीशन की रिपोर्ट लेकर आए, उन्होंने कहा कि RSS के कितने लोग उसमें शामिल हुए हैं ये भी बताइए। उन्होंने कहा बीजेपी को आगामी चुनाव में हार दिख रही है इसलिए मुद्दों से भटक रहे हैं। वहीं सुप्रिया श्रीनित ने कहा कि जनता बेरोजगारी और महंगाई से बुरी तरह से जूझ रही है। अभी तक MP में जो वादे हुए वो लोगों के मन की बात है, भारत जोड़ो यात्रा में संवाद के आधार पर है। ऐसा कोई वादा नहीं जिसे पूरा नहीं किया जा सके। कर्नाटक, राजस्थान और बाकी राज्यों में भी वादों को पूरा करके दिखाया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ को प्रदेश के नेताओं के साथ साथ देश भर के बाकी कांग्रेसी नेताओं का साथ मिलने वाला है। कांग्रेस के नए संकटमोचक बनकर उभरे DK शिवकुमार को अब तक दक्षिण भारत के लोग बखूबी जानते थे, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है DK की MP की राजनीति में अहम भूमिका हो जाए। इसके अलावा UP के प्रमोद तिवारी, हरियाणा के दीपेंद्र हुड्डा भी MP में अपना डेरा जमाने वाले हैं। इन सभी नेताओं को उन सीटों की जिम्मेदारी दी जाएगी जहां कांग्रेस पिछले 3 से 4 चुनावों में जीत नहीं पाई। तो आइए अब आपको बताते हैं मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस का प्लान। मध्य प्रदेश कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कोई असमंजस नहीं। कमलनाथ का ना तो शीर्ष पर कोई प्रतिद्वंदी है ना रैंक में कोई आगे। कमलनाथ की राह के एकमात्र जो बाधक थे वो थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी अब इस पार्टी में नहीं। साल 2021 में सत्ता से बाहर होने के बाद उन्होंने अपना समय समर्थन जुटाने में किया। वर्षों में पहली बार राज्य में कांग्रेस में केवल एक स्पष्ट CM चेहरा है, वो है कमलनाथ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ लगातार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। वो लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। कांग्रेस ने कर्नाटक में जिस तरह अभियान चलाया कुछ वैसा ही कैंपेन मध्य प्रदेश में भी चलाया जा रहा है। MP कांग्रेस कर्नाटक की बेस्ट चुनावी प्रैक्टिस को प्रदेश में आजमाने की तैयारी कर रही है। पार्टी आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी पर हमले तेज करेगी। संभावना इस बात की है कि पे CM पोस्टर कैंपेन का कोई नया वर्जन MP में दिखेगा। 12 जून से दरअसल प्रियंका गांधी रैली से चुनावी अभियान की शुरुआत होगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव है प्रियंका गांधी। 12 जून को जबलपुर से रोड शो और आम सभा संबोधित करके विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रही है। इसके बाद
कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आम सभाएं होंगी, जिसको लेकर पीसीसी एचआईसीसी से समन्वय करके कार्यक्रम तैयार किया जा चुका है। इस बारे में अभी जो शुरुआती औपचारिक चर्चा है वो हो चुकी है। राहुल गांधी और खड़गे के प्रदेश में जुलाई अगस्त के बाद आगे चुनाव तक के प्रोग्राम तैयार होंगे, तो देखना है कि किस तरीके से एमपी में कांग्रेस अपने आप को जमा पाती है। क्या जो कर्नाटक में कांग्रेस ने कर दिखाया वो एमपी में भी कांग्रेस कर दिखाएगी? लेकिन जो चेहरा है सीएम का वो है कमलनाथ का। अब कमलनाथ किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को पटखरी दे पाते हैं ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।